नमस्ते, आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं हमने जो पेविस सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएशन किया है उसका सेटअप हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको एज यूजुअल डेस्कटॉप के ऊपर जो आपका पेविस का आइकॉन होगा उसे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन स्क्रीन आएगी। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आपको ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स चेक करके आपको सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाएगा जहाँ आप देख पाओगे फर्स्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन स्क्रीन। ये जो यूज़र इन्फॉर्मेशन स्क्रीन है उसे क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपको जाना होगा फाइल मेंटेनेंस में कंपनी सेटअप में। कंपनी सेटअप में आप देख सकते हो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिया है, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है रीजन। आप रीजन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप रीजन आपका जो भी होगा उसको एंटर करके ऐड बोल के सेव कर दीजिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ हमने नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन डिफाइन किए हैं। सो अभी जैसे मैं डिफ़ॉल्ट रीजन है उसको चेंज करना चाहता हूँ, सो इसको मैंने वेस्ट किया, सेव किया। सो इस तरीके से आप आपके अगर रीजन हो गए तो डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ा तो भी चलेगा। क्लोज किया, फिर आपको मैं लिखे गया फाइल मेंटेनेंस में कंपनी सेटअप में ब्रांच। ब्रांच में आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की यानी कंपनी के जो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होगी वो इस ऑप्शन से डिफाइन करनी है। सो उसके लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको आपका जो भी ब्रांच रहेगा उसका डिटेल्स प्रोवाइड करना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। राइट साइड में आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच का अकाउंट नंबर और ESIC रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने की फैसिलिटी दी है। आप यहाँ डाल सकते हो, ब्लैंक छोड़ा तो भी चलेगा। उसके बाद में यहाँ इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद में अगर आपका और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होगा तो आप यहाँ न्यू करके न्यू ब्रांचेस ऐड कर सकते हो। फिर इसे मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं आपको लेके आता हूँ फाइल मेंटेनेंस कंपनी सेटअप में कैटेगरी। यहाँ कैटेगरी का मतलब होता है हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो भी डिफरेंट कैटेगरीज है लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। आपको दिखाने के लिए यहाँ मैं ऐड करके ये कैटेगरी डिफाइन करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सो इस तरीके से आप आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो भी होगी इसमें आप डिफाइन कर सकते हो। फिर इसे मैंने क्लोज किया। दोबारा आपको मैं लेके जाता हूँ फाइल मेंटेनेंस कंपनी सेटअप में डिपार्टमेंट्स। यहाँ से आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो डिफाइन कर सकते हो, जैसे HR, एडमिन, अकाउंट्स, सेल्स, परचेस, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पैच। सो यहाँ आपको न्यू करना होगा, यहाँ आपको आपके डिपार्टमेंट का नाम देना होगा, सेव करना होगा। इस तरीके से आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप न्यू पे क्रिएट करके ऐड करके जा सकते हो। फिर इसे मैंने क्लोज किया। आपको मैं लेके आता हूँ फाइल मेंटेनेंस में कंपनी सेटअप में डेसिग्नेशंस। अब कंपनी में डेसिग्नेशंस और कैटेगरी नॉर्मली सेम ही होती है। सो यहाँ भी आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डेसिग्नेशंस हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, टीम लीडर, टीम कोऑर्डिनेटर, ऑफिसर्स, रिसेप्शनिस्ट, ऐसे जो भी डिफरेंट कैटेगरीज के जैसे रिलेटेड डेसिग्नेशंस हो गए आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे यहाँ मैं दे रहा हूँ, इसे सेव कर दीजिए। सेव सक्सेसफुली, ओके। इस तरीके से आपके ऑल डेसिग्नेशंस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। फिर इसे मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैं आपको लेके आता हूँ फाइल मेंटेनेंस में कंपनी सेटअप में प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स ये बेसिकली यूज होता है KPO BPO इंडस्ट्री में, जहाँ अंडर वन रूफ, एक रूफ के अंदर, एक छत के नीचे अलग अलग प्रोसेसेस चलती रहती है। अगर आपके पास भी ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स है तो आप यहाँ से वो प्रोजेक्ट्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे डिफाइन करने के लिए आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ उस प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, सेव करना होगा। दोबारा आपको डिफाइन करना होगा तो न्यू बोल के आप नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट रहेगा आप डिफाइन कर सकते हो। फिर इसे मैंने क्लोज कर दिया। फिर आपको मैं लेके आता हूँ फाइल मेंटेनेंस में कंपनी सेटअप में पे कमीशन स्ट्रक्चर। अब ये जो पे कमीशन स्ट्रक्चर ऑप्शन दिया है,
ये बेसिकली ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए है, जहाँ गवर्नमेंट का जो पे कमीशन एप्लीकेबल होता है उसके लिए अप्लाई होता है। आपको ये अगर एप्लीकेबल नहीं है तो इसे आप यूज मत कीजिए और इसे बंद कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आगे इसका प्रोसेस कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।